तो आइए आज हम एक अल्लाह के एहसान के बारे में कुछ बातें देखेंगे, और वो है सुनने की ताकत। सुनने की ताकत, सुन सकते हैं हम लोग? हाँ। कहाँ से सुनते हैं हम लोग? हैंड से, कानों से सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सुनने की ताकत दी। आपने दुनिया में आने से पहले अल्लाह से मांगे थे कि अल्लाह मुझे सुनने के लिए कान चाहिए? कान मांगे थे? नहीं। फिर मांगे बगैर अल्लाह ताला ने दिए? अल्लाह ताला ने हमें मांगे बगैर कान दिए, है ना? मांगे बगैर। अल्लाह के कितने एहसान है पता है आपको? पता है आपको कितने सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो सुन नहीं सकते? हाँ, सुन नहीं सकते। और जब सुन नहीं सकते तो क्या होता है पता है? हाँ, क्या होता है? भैरे हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर? अपन को सुनने नहीं आता। सुन नहीं सकते फिर क्या होता है? फिर अपन को सुन भी नहीं सकते ना, तो पढ़ाई कर सकते ना, जो टीचर को जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी नहीं सुन सकते। टीचर बोलते हैं क्लास में, स्कूल में, वो नहीं सुन सकते। हाँ, अच्छी अच्छी बातें सुनना वो भी नहीं सुन सकते। तो इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करने का एक जरिया है। नॉलेज हासिल करने का एक जरिया है, सोर्स है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कुरान में अल्लाह ताला ने पांच जगहों पे कहा वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा। अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, और सोचने की ताकत दी। अच्छा, सोचने के लिए पहले सुनेंगे, देखेंगे, फिर सोचते हैं ना? या पहले सोचते हैं फिर सुनते हैं और देखते हैं? तो हम देखते हैं, समझ में आएगा नहीं क्या मतलब क्या करना है। हाँ, सुनेंगे, देखेंगे, तो सोचते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा सम वल अबसारा वल अफइदा। हाँ, तो अल्लाह ताला ने सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, सोचने की ताकत दी, ड्राइंग करने की ताकत। पहले हम लोग दिमाग से रहे तो समझ में नहीं आया कौन सी ड्राइंग करने, पहले आंखों से देखे कौन सी ड्राइंग करने, उसके बाद दिमाग लगाके। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, आज मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं कि ये मैं लगा रहा हूँ हेडफोन्स, ये हेडफोन्स लगा रहा हूँ, लगे? हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। ओके, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब क्योंकि मैंने कुछ चलाया नहीं है। अब मैं चला रहा हूँ एक इस्लामिक सॉन्ग, अब सुनाई दे रहा है? हाँ। आप इधर इधर आओ, और नहीं इधर से ही बोलो, तीन बातें बोलो इसको, खुदा को अल्लाह ताला ने देखने की ताकत दी, अल्लाह ताला ने सोचने की ताकत दी, अल्लाह ताला ने सुनने की ताकत दी। कुछ नहीं, क्या बोली उसरा ने? क्या बोली? बोले क्या? हाँ, क्या बोले? क्या क्या बोली? बताओ बताओ, तुमने देखी ना, बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, सुने? हाँ, हाँ, क्या बोल रही थी? नहीं मालूम? ओके, अब तुम्हारी टर्न। कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। ठीक है, अब आपको कुछ बोलना है, और तीन कुछ और बोलना है, अभी नया कुछ बोलना है, ठीक है ना? बोलो। The sky is blue, the grass is green, and the sea is blue. क्या बोला मैंने? The sky. ये ना, क्या आवाज जा रही है अंदर? The sky क्या? The sky के बाद क्या बोले? Sky. हाँ हाँ, निकालो निकालो. The sky. The sky. बोलो ना, skies. और उसके बाद क्या बोले? अच्छा, द स्काई कैसे मालूम पड़ा आपको? हाँ, सुने? हाँ। आवाज आ गई अंदर? हाँ। हाँ? लेकिन अगर नहीं आती तो? ओके, अब आपकी टर्न, राइट से स्टार्ट किया ना मैंने, आपकी टर्न। ओके, अभी कौन, आप बोलेंगे कुछ? बोलेंगे इसका? हाँ, ओके, अब्दुल्ला बोलने वाले हमजा को। हाँ, इस्लाम के पांच अरकान हैं, एक शहादा, एक सला, हज। अब्दुल्ला ने फाइव पिलर्स बोला। क्या क्या बोले? शहादा, नमाज। हाँ। क्या बोलता है, रमजान के रोजे रखना। हाँ।
हज करना और ज़कात देना, फाइव पिलर्स बताए ना, उसने तो तीन ही बताए थे। यानी कि जो बोले तो आपको और सुनी आ गई, लेकिन आपने कुछ बोलने से ज्यादा ही सुन ली। ऐसा भी होता है। अभी आपकी चर्च, अभी आप बता, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा उससे तुम बोलो। मैं बोलू? बोलो। The sky blue, the grass green, the table red. I'm a chocolate. क्या बोलो उसने? Table. हम्म। Table is? Table is red. वह क्लू दे दिया मैंने। ओके और? और? ओके। चलो अभी बात क्या है ना, पता है आपको जैसा आपके साथ हो रहा है ना, कई लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी साइलेंस होती है, उनको खुद की आवाज सुनाई देती है? नहीं। करो नहीं। बंद करो कान, बंद करो, खुद की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। हाँ। कुछ बोलो, कुछ बोलो। हाँ। आपको खुद की भी आवाज नहीं सुनाई देती? हाँ, दूसरों की भी नहीं सुनाई देती है, खुद की भी आवाज नहीं सुनाई देती है। तो सुनने की ताकत ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं है? हाँ। अच्छा अगर मान लो सुन नहीं सकते हैं और गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, तो फिर कैसे होगा? हाँ, नहीं सुन सकते ना, वो फौज मार रही नहीं सुनाई देगा। हाँ, और ये ट्रक आ रही है, फोन मार रही है, सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। और क्या होगा, हम तो क्लास में कुछ सुनाई नहीं दे सकते हैं, कुरान सुन सकते हैं, इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं, ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं? नहीं, सुन सकते हैं, दर्स सुन सकते हैं, खुतबा सुन सकते हैं? नहीं। अच्छा अभी मुझे बताओ, कानों से कुछ गलत भी कर सकते हैं लोग? गलत करते हैं लोग? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कहा उसके लिए सजा है, सजा दुनिया में भी, मैं उस बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके और बताइए, तो हम ये देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत गलत बातें सुनते हैं, बोलते हैं गलत गलत चीजें करते हैं, और झूठ बोलते हैं। तो टंग है ना, हम लोग टंग पे पहुंचे नहीं है, हम लोग कान की बात कर रहे हैं, सुनते गलत चीजें सुनते हैं। हाँ, अगर गलत लोगों के साथ रहोगे, यस, और क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं और गाने सुनते हैं। ओके और बोलो और क्या करते हैं? देखिए और क्या कर रहे हैं, गलत चीज बताओ, कान के गलत इस्तेमाल। जैसे कि ये आप लोगों का इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, बहुत से लोग होते हैं दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ने बहुत एहसान दिए, लेकिन वो लोग सोचते ही नहीं है। क्या नहीं सोचते हैं? कि अल्लाह के एहसान है, ये कान भी अल्लाह के एहसान है, ये लोग सोचते ही नहीं। ये कान अगर ना हो तो पता चलता है, कितने सारे लोगों के पास से जब कोई चीज चली जाती है ना, तब उन्हें एहसास होता है। हालांकि सही चीज क्या है, जाने के बाद एहसास हो या जाने से पहले एहसास हो जाए? जाने से पहले एहसास हो जाए या जाने के बाद पता चले? हाँ? जाने के बाद का मतलब कोई चीज चली जाए उससे पहले उसको वैल्यू करना बेटर है। हाँ। हाँ? हाँ। या कोई चीज जाने के बाद एहसास होगा तो बेटर है? कोई चीज है और साथ में एहसास हो कि नहीं मेरे पास अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने कान दिए, हाँ अल्लाह ताला ने कान दिए, अल्लाह ताला ने नाक दी, अल्लाह ताला ने आंखें दी, अल्लाह ताला ने इतने सारे एहसान दिए। तो बच्चों अनग्रेटफुल लोगों में से नहीं बनना। हाँ, कितने ग्रेटफुल लोग होते हैं? बहुत कम। तो आप लोग कम लोगों में से बनेंगे ग्रेटफुल या ज्यादा? ज्यादा।
ज्यादा ज्यादा लोग क्या है अनग्रेटफुल है कम लोगों में से बनेंगे जो ग्रेटफुल है अल्लाह ताला के तो ये एक अहम बात है अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है आई प्लस टीवी बेहतर जिंदगी के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है